गोरखपुर जिले में 29 जनवरी को वैक्सीन डोज लगवा चुके लोगों को बूस्टर डोज दी गई। 59 बूथों पर 4541 कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लक्ष्य से 194 लोग अधिक पहुंचे। कुल 104.3% टीकाकरण हुआ। कुल 4735 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, इसमें महिलाएं 3015 और 1720 पुरुषों ने टीका लगवाया। आपको बता दें, टीकाकरण सुबह 10 बजे शुरू हुआ जो शाम 4 बजे तक चलता रहा। इसी बीच बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। सुरक्षा कर्मी आने वालों का नाम सूची से मिलान कर परिचय पत्र देखने के बाद ही अंदर प्रवेश दे रहे थे। बूथों पर सत्यापन कक्ष, टीकाकरण कक्ष और ऑब्जर्वेशन कक्ष के अलावा वेटिंग एरिया भी बनाई गई थी। सत्यापन के बाद कर्मचारी वेटिंग एरिया में इंतजार करते दिखे, नंबर आने पर वैक्सीन लगवाते नजर आए। टीकाकरण के बाद वहां 30 मिनट तक डॉक्टरों की निगरानी में रहे। इसी बीच कहीं किसी के तबीयत खराब होने की सूचना नहीं मिली। एहतियात के तौर पर CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे जिला अस्पताल में बने बूथ का निरीक्षण किया। उन्होंने वैक्सीनेटरों को निर्देश दिया कि जिनका नाम सूची में ना हो और टीका लगवाने आ गए हों, उनका नाम कोविन पोर्टल पर देखकर ही टीका लगाया जाए। साथ ही लोगों को 5 संदेश भी बताने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज सिर्फ सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वो भी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन किया। जो लोग पिछले बार 28 तारीख को वैक्सीनेशन लगाए हुए कराए थे, उनका आज का वैक्सीनेशन हुआ है। जो टोटली हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमारे 33 हॉस्पिटल्स में 58 जगहों पर वैक्सीनेशन किया गया है। हमारा टोटल टारगेट था 4841, अभी तक हम 84% वैक्सीनेट कर लिए हैं और सभी लोग वैक्सीनेशन हो रहा है। जो कि सेकेंड डोज है, उसके पहले भी फर्स्ट डोज लगवाया जा चुका है, तो सभी लोग करा रहे हैं। जो कुछ कमी 100% में कमी आएगी, कुछ लोग बाहर हैं, ज़िले से बाहर चले गए हैं, तो उनको कहा गया है कि आप उसी ज़िले में अपना मोबाइल नंबर दिखा करके आप पोर्टल से एंट्री करा, पोर्टल से निकलवा करके आप वैक्सीनेट करा सकते हैं। अगला वैक्सीनेशन कब होना है? अब अगला वैक्सीनेशन जो है सरकार अभी डिसाइड करेगी। अभी हमें गाइडलाइन जब आएगी तब हम वैक्सीनेट करेंगे।